हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे आए हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज अपनी मम्मी को मथुरा देखने के लिए। आज मम्मी की तबीयत 3 4 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया रात को अचानक से 3 बजे। और मम्मी को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम भी हुई है और फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हुआ है, ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और बहुत ज़्यादा हालत सीरियस थी, बचना बहुत ही मुश्किल था। सो ठाकुर जी की कृपा से अभी वो ठीक है। आज उन्हें छुट्टी मिलने वाली थी बट नहीं मिली, हम गए जाके पता चला। और मतलब मैं यहाँ पे टेंशन में थी, वहाँ जाके मम्मी को थोड़ा देखा तो मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा सा मम्मी को पहले से आराम है। और हम जा रहे थे देखने के लिए यहाँ पे, और हमारे यहाँ से 2 2.5 घंटे का रास्ता पड़ता है, तो हम मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे। वहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे, तो वहाँ पे हमें मम्मी से पहले मिलने नहीं दिया था, तो हम घर पे चले गए थे। उन्होंने बोला 12 से 1 बजे का 1 घंटे का टाइम है आपके पास मिलने का, तो हम लोग बाद में गए थे, खाना खा के बच्चों को घर से ले आए थे। तो यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं और मम्मी मम्मी ना थोड़ा सा हंसने लगी थी, तो सब लोग काफ़ी मतलब सबके चेहरे पे मतलब खुशी झलकने लगी थी कि मम्मी को काफ़ी आराम था और छुट्टी भी मिलने वाली है। तो कहते हैं ना कि माँ का प्यार माँ माई होती है, और मैं प्रार्थना करूँगी सभी से कि मेरी मम्मी के लिए सब लोग प्रार्थना करें कि मम्मी जल्दी से सही हो जाए और घर पहुँच जाए। और यहाँ पे मैं पहुँच गए, हम पहुँच गए शाम को घर पे, और भाभी जी ने बनाई थी चाय। चाय के बाद हम चलने लगे घर पे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था हमें जाने में, बच्चों का पेपर भी था, तो बच्चे तो घर पे ही पढ़ते रहे थे, और दूसरे दिन पेपर था बच्चों का। और यहाँ पे हम जाने लगे, हमने चाय वगैरह पी ली थी, और रास्ते में फिर ओले पड़ने लगे, इतने सारे ओले, इतनी सारी बारिश अचानक से, बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद पहुँच गए हम घर। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।